हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पे बात करते हैं कि थोड़ा बहुत से लोग मुझे पूछ रहे हैं भाई सिंघम अगेन का ऑफिशियल कलेक्शन के बारे में, तो सोचा एक स्पेशल वीडियो बनाऊँ मैं इस पर। देखो भाई, क्या है कि सिंघम अगेन का एट प्रेजेंट वाला मैं ऑफिशियल कलेक्शन बता देता हूँ। जस्ट थोड़ा सा लाइव ट्रैक करना पड़ेगा मुझे कि कल का क्या अपडेट था। ऑफिशियल कलेक्शन थोड़ा टाइम लगेगा। एंड वर्ल्ड वाइड की अगर मैं बात करूँ, वर्ल्ड वाइड, जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड वाइड ये फिल्म ने एट प्रेजेंट 241 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस किया है भाई। 5 दिनों में 241 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बहुत बेहतरीन बात है, उसमें कोई शक नहीं है। भारत का ग्रॉस कलेक्शन इसका 190 करोड़ हुआ है। मैं ग्रॉस की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड का ग्रॉस बता दिया मैंने 241 करोड़। एंड अगर हम बात करें तो कल 15.5 करोड़ का मेरे पास जो अपडेट था, आई थिंक 15.5 था, मुझे भी याद नहीं एक्चुअली। या एक सेकंड कंफर्मेशन एक बार होने दो। जी हाँ, अगर ऑफिशियल बात करें तो, क्योंकि क्या है, आपको हर रोज़ तरन चाचा अपडेट देने नहीं वाले हैं जो आप, हाँ वो शायद बाद में दे भी दे, उसका भरोसा नहीं है। बट बिल्कुल कंफ्यूज होना नहीं है, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कल तक की बात हो रही है। सो 160 करोड़, 159.5 करोड़ का बिजनेस इस फिल्म ने 5 दिन में कर लिया है भाई। और इसको हिट होने के लिए खाली 100 करोड़ के आसपास चाहिए बस नेट में, जो कि आराम से होने वाला है। ग्रॉस में ये ऑलरेडी 190 के आसपास आ चुकी है। और वर्ल्ड वाइड में अगर बात करें तो 241 करोड़ वर्ल्ड वाइड का ग्रॉस हो चुका है इसका। ये 250 करोड़ में बनी है, कुछ लोगों के अकॉर्डिंग 350 करोड़ में बनी है। बट ऑफिशियल्स की अगर बात करें, बॉलीवुड हंगामा वगैरह, तो 250 करोड़, पिंक विला, फिल्म फेयर, सब ने, सैक नील, किन्होंने जो बजट बोला है, जो ऑफिशियल बजट है 250 करोड़। बट यहाँ पे अगर इसकी रफ्तार अच्छी रहती है तो सिर्फ 250 नहीं बल्कि ये 350 करोड़ का भी नेट कलेक्शन कर सकती है, क्योंकि इसके पास टाइम बहुत है। बट हाँ, यहाँ पे इसको रफ्तार रखनी पड़ेगी। बट आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट फिल्म ऑफ अजय देवगन जो 300 करोड़ का नेट कलेक्शन कर रही है मेरे भाई। जी हाँ, इट विल बी अ नॉर्मली हिट, मैं ब्लॉकबस्टर सुपर हिट की बात नहीं करूँगा। हीट का टैग ये ले रही है, एवरेज और सेमी हिट तो वैसे भी ले रही है, बट मैं हीट की बात कर रहा हूँ आराम से। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आई एम सो सॉरी, मैंने लेट अपडेट दिया। और अब कुछ चाचा वाचा ने कोई अपडेट दे दिया बाई चांस, तरन चाचा वगैरह ने कोई कलेक्शन का, अगर 1-2 करोड़ ज़्यादा ही देगा वो देगा तो मतलब करेक्ट ही देगा, क्योंकि मैंने कम से कम ट्रेड वालों की बात आप तक पहुँचाई है क्योंकि बाद में हेटर्स रोए नहीं। हाँ, वैसे देखा जाए तो 160 प्लस हो चुका है, ओके, 5 दिनों में नेट कलेक्शन, विच इज़ क्वाइट ब्रिलियंट भाई। जो फिल्म, मैं तो बोलूँगा जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन अजय देवगन की फिल्मों से होती है, उससे काफ़ी बेटर वे में ये फिल्म ने परफॉर्म किया है अभी तक 5 दिनों में। इट्स लाइक ड्रीम रन हो गया भाई अजय देवगन के फैंस के लिए। और ये फिल्म रुक नहीं रही है भाई, फ्राइडे सैटरडे संडे चढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और बाद में कंगुआ आने के बाद भी यार उतने स्क्रीन्स कट नहीं होंगे भाई। कंगुआ एक तमिल है यार, तेलुगु फिल्म होती तो बात अलग है कि मतलब वो स्क्रीन काउंट्स तगड़े लेते, तमिल वाले तो प्रमोशन भी नहीं करते यहाँ पे, तो इतना स्क्रीन अफेक्ट होने नहीं वाला है अनटिल एंड अनलेस पुष्पा तक। सो ये धीमी धीमी भी चलती रही अजय की बाकी फिल्मों की तरह, क्योंकि उनकी फिल्में बाद में स्लो हो जाती है, बट चलती रहती है तो भी आराम से ये 300-350 नेट मार सकती है, क्या पता 400 नेट भी मार दे, क्योंकि जो रफ्तार है वो 5 दिन में 160 करोड़ की है ना, वो भी तो देखना चाहिए नेट में। तो यू नेवर नो भाई, इसके पास ऑलमोस्ट 27 डेज है, और करते रहो भाई ऐश, शेयर कर देना लेकिन वीडियो।